श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पांचवें श्लोक में क्या कहा गया है? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणेह। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं, यानी कि सभी मनुष्य जन प्रकृति से जो उत्पन्न गुण होते हैं उनके द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। इसीलिए कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक है, जो कि अध्याय 3 के 9वें श्लोक में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के कर्म के अतिरिक्त, यानी कि यज्ञ के कर्म के अलावा उससे अन्यत्र इस लोक में बाकी सब कर्म बस तुमको बंधन देंगे। तो हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर यज्ञ का कर्म करो। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो जीवन तुम्हें मिला है उसमें जो कर्म है वो कर्म क्या है तुम्हारा? यज्ञ। यज्ञ के कर्म के बिना और कोई भी तुम्हारा कर्म नहीं है। अगर तुम यज्ञ करने के अलावा कुछ और कर्म करोगे तो बस तुम बंधन में बंधोगे। तो हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर यज्ञ का कर्म करो। यज्ञ क्या होता है? अब आप यही सोच रहे होंगे कि यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यज्ञ यानी सम्यक कर्म या फिर शुभ कर्म आप उसे बोल सकते हैं, जो स्वधर्म सिखाता है। यज्ञ अर्थात दान, जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, यानी कि जो तुम्हारा नहीं है उसका दान कर दो। दूसरा है आहुति। आहुति जिस प्रकार आप यज्ञ में आहुति देते हैं, उस प्रकार जो तुम्हारा नहीं है उसे यज्ञ में जला दो। जैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को जलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो तुम्हारा नहीं है उसकी आहुति दे दो। दान और आहुति दोनों मिलकर बनाते हैं शुभ कर्म। ये दोनों ही मिलकर शुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। तो तुम कौन हो इसको जानो और फिर चुपचाप यज्ञ करो। यज्ञ यानी कि शुभ कर्म, जो उचित कर्म है। नियतम कर्मम करो, नियत कर्म करो। लेकिन क्यों करें? क्योंकि ना चुनने का कोई विकल्प नहीं है, तीसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। इसके दो रास्ते हैं। एक कर्म वो जो प्रकृति के वशीभूत होकर सब प्राणी करते हैं, यानी कि जो कर्म है उसके दो प्रकार हैं। पहला कर्म जो हम प्रकृति हमसे करवाती है, जो प्रकृति से हमने पहले श्लोक में जाना कि उससे जो उत्पन्न गुण हैं, यानी कि हम प्रकृति के वशीभूत होकर करते हैं, एक तो वो कर्म हुआ। दूसरा कर्म वो जो स्वधर्म है, यानी कि यज्ञ करिए। अगर यज्ञ रूपी कर्म नहीं करोगे, अगर स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। वो दंड क्या होगा? वह दंड ये होगा कि तुम्हें प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ेंगे। तो तुम चुन लो अर्जुन, कौन सा कर्म करना है। यानी कि दोनों ही जो श्लोक हैं वो आपको बता रहे हैं कि अगर प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करोगे तो वही करते जाओगे जो गुण प्रकृति आपसे देकर कर पाएगी।